कैसा लग रहा है नेक का फिनिशिंग? तो इस तरह से आप ब्लाउज में, कुर्तीज में पाइपिंग लगा सकते हो इन सिंगल लेयर ऑफ फैब्रिक। सिंगल लेयर के फैब्रिक में अगर आप कुर्ती बना रहे हो, हर बार तो लाइनिंग नहीं होगा जिसे हम रिवर्स कर सके। इस पट्टी को आपस में ज्वाइन करना सीख लेते हैं। ये पट्टी ज्वाइन, तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक को साथ में रखना है। देन मूव लाइक दिस। अब एक वी से दूसरे वी तक हमें स्टिच करना है। स्प्रेड द सीम अलाउंस। उसके बाद हमें क्रॉस पट्टी स्टिच कर ली। उसके बाद हमें क्रॉस पट्टी के अंदर डोरी को रखना है। डोरी हमारी फुट से अपोजिट साइड होनी चाहिए एंड ऊपर का फैब्रिक कम फोल्ड करना है। यू हैव टू फोल्ड अपर फैब्रिक लेस। ऊपर का फैब्रिक इतना कम फोल्ड करेंगे अंदर से। यहां से हम खींचेंगे, पट्टी को खींचेंगे। मेक श्योर ऊपर का फैब्रिक फोल्ड कम है। सीम अलाउंस को स्प्रेड करेंगे। पट्टी को खींचना है। स्ट्रेच द स्ट्रिप। अरे डोरी के ऊपर बिल्कुल भी स्टिच नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू स्टिच जस्ट बिसाइड द डोरी। डोरी के बाजू में हम सिलाई करेंगे। रुक जाओ, गलत हो गए। पट्टी को खींचना है। स्ट्रेच अब आपको नेक लाइन लेनी है। नेक पे 1/4 इंच अंदर 1 प्रेशर फुट इनसाइड मार्किंग कर देनी है। मार्क करना है। अब जो साइड हमने फैब्रिक ज्यादा रखा था, एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर के साइड रखना है। अभी है वॉइस जो पहले म्यूट किया था ना। अंदर के फैब्रिक, कम वाले फैब्रिक को हमें इस तरह रखना है एंड ये वाले पाइपिंग का जो स्टिचिंग है वो इस लाइन से मैच होना चाहिए। पाइपिंग स्टिचिंग शुड बी मैच टू लाइन। अभी हम यही स्टिच करेंगे। पाइपिंग वाले फैब्रिक को खींचना है। यू हैव टू स्टिच जस्ट बिसाइड द डोरी। ये हम विदाउट कैनवास लगाना सीख रहे हैं। विथ कैनवास भी हम लगा सकते हैं। अगर हमें विथ कैनवास लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हमें सेम ऐसा राउंड शेप का कटिंग और चाहिए। जैसे हमने बाकी शेप में कैनवास अटैच किया वैसे ही कैनवास चिपका के हमें पलट देना। बट अभी हम विदाउट उसके सीख रहे हैं। तो अभी मैं अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दूंगी। पहले सिर्फ अंदर का एक्स्ट्रा, ओके, ऊपर का जो एक्स्ट्रा है वो नहीं काटना। यू हैव टू कट ओनली सीम अलावेंस, नॉट द ग्रीन वन फैब्रिक। ग्रीन वाला कपड़ा नहीं काटेंगे। ज्यादा नजदीक से नहीं काटना। अभी हम यहां स्टिच करेंगे।
नाउ इट्स टाइम टू चेंज द फुट। अभी हमें आयरन पे जाना है। इस तरह मोड़ के हमें यहाँ स्टिच करना है। अब हम नेक को स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि नेक पे पट्टी लग चुकी है। इस तरह आप रेगुलर जो ब्लाउज विदाउट लाइनिंग वाले स्टिच करते हैं उसमें लगा सकते हो पाइपिंग। अब हम अंदर मोड़ के आयरन कर देंगे। इसमें भी अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप काट सकते हो। यू कैन कट द एक्स्ट्रा फैब्रिक। आयरन जूम कर दो। कैसा लग रहा है नेक का फिनिशिंग? तो इस तरह से आप ब्लाउज में कुर्तीज में पाइपिंग लगा सकते हो इन सिंगल लेयर ऑफ फैब्रिक। सिंगल लेयर के फैब्रिक में अगर आप कुर्ती बना रहे हो हर बार तो लाइनिंग नहीं होगा जिससे हम रिवर्स कर सकें, बट इसमें हम कैनवास से भी कर सकते थे। कैनवास का हम कुर्ती मेकिंग क्लास में देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब तो 2-3 बचे हैं। सो हमने 1 मिनट रुको। हाँ राउंड नेक में दो वैरायटी सीखी, वन विथ क्रॉस पट्टी एंड सेकेंड विथ पाइपिंग। दोनों में भी टाइम सेम ही लगेगा बट इसमें हमें सिंगल फुट एंड डोरी चाहिए होगी। दोनों की अंदर की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट है। चलो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।